वेरी नाइस, आप देख रहे हैं तुरई का टेक्सचर। सो गुड, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और अब हम देखेंगे इसकी विधि, ये बनाते कैसे हैं। मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्जियों में से एक है ये, मैं बहुत पहले से इसे खाता आ रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं ये आखिर बनती कैसे है। तुरई थोड़ी यूनिक होती है गोवा में, बाकी नॉर्थ इंडिया में इस पर कुछ इस प्रकार की बारीक धारियाँ नहीं होती, बट यहाँ इसमें एक बहुत मोटी धारी जिसको अच्छे से पील करना होता है आपको, और कुछ पीलिंग के बाद कुछ इस तरीके से ये निकल के आ जाता है। सो ये एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी होने वाली है आज। हेल्दी, अच्छे से अवेलेबल होती है मार्केट में ये दोनों ही चीज़ें, तुरई भी और काला चना, विच इज़ द ब्लैक ग्राम। सो कुछ इस तरीके से सारी तुरई को हम पील कर लेंगे। नॉट नेसेसरली कि आप एकदम अच्छे से पील करके पूरी तरीके से सफ़ेद कर दें, बट कुछ तुरई ऐसे भी रह सकते हैं। उसके बाद हम इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे और आपको एक डिफरेंट कट में इन्हें काट लेना है, नॉट नेसेसरी राउंड। आप लंबे वेजेस भी और स्टिक्स भी काट सकते हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से आप उसके कट को काट लें। और फिर हम आगे की प्रक्रिया आपको दिखाने जाएंगे कि हम कैसे इसको काले चने के साथ पकाएंगे। सो हमने तुरई को ऐसे राउंड कट में काट लिया है, हमारे पास चना है, बाकी ये प्याज, लहसुन, मिर्च और हमारे मसाले हमारे पास है। अब हम शुरू करेंगे इसको बनाने की पूरी प्रक्रिया। सो सबसे पहले कढ़ाई गर्म करेंगे और उसमें एक या दो चम्मच, जितनी क्वांटिटी में आपके पास तुरई है उस हिसाब से घी डालेंगे। आपने गौर किया होगा हम इस रेसिपी में घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारा एक्सपीरियंस यही कहता है कि घी के साथ ये रेसिपी बहुत अच्छे से बन के आती है। अब हम इसमें मेथी और जीरे को ऐड करेंगे और उन्हें कुछ इस तरीके से क्रैकल होने देंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये कुछ गोल्डन ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे हींग, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी हींग। हींग को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसके अंदर बारीक कटे या फिर मिर्च और साबुत लहसुन ऐड करेंगे और उनको भी घी में अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये रेसिपी बिहार की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है जिसे लोग व्रत के बाद खाने की खाते हैं और खाने का खाना प्रेफर करते हैं, इसीलिए इसे हम कई बार घी से बनाते हैं। और आप देख सकते हैं अनियन डालने से पहले का जो पूरा सेटअप है तैयार हो चुका है, लहसुन हल्के अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, मिर्च भी अच्छे से भुन चुका है और पहले डाले हुए मेथी और जीरा सब कुछ ने अच्छा रंग ले लिया है। तो अब ये एक सही समय होगा इसके अंदर प्याज डालने का, तो हम इसके अंदर अब प्याज ऐड कर देंगे। आप प्याज के कट पे ध्यान देंगे, हमने इसमें कोई बारीक कटे प्याज नहीं ऐड किए, इसमें हमने कुछ स्लाइस्ड अनियन जो कि थोड़े मोटे स्लाइस्ड हैं डाले, जिससे तुरई या फिर बिहारी लैंग्वेज में कहें नेनुआ और चने की सब्ज़ी में एक अच्छी मिठास आती है, प्याज की मिठास। तो आप चाहे तो प्याज की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, प्याज की क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको प्याज कितना पसंद है। बट कट के अंदर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ इस तरीके का कट ही डालें अपने
तुरई चने या फिर नेनुआ चने की सब्ज़ी में। तो अभी प्याज ठीक ठाक भुन चुके हैं जितना हमें भुनना है, और अब सही वक्त है इन चने को डालने के लिए। हम इसमें चना ऐड कर देंगे। चने को प्याज के साथ थोड़ी देर ऐसे ही भुनेंगे जिससे कि चने में एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए मिर्ची लहसुन और प्याज का, और साथ में उन खड़े मसाले मेथी और जीरे का। अब इसमें हम एक थोड़ा क्वांटिटी में हल्दी मिलाएंगे। इस रेसिपी के अंदर आप गौर करेंगे इसमें कुछ ढेर सारे मसाले नहीं जाएंगे, मसाला बस एक वो है हल्दी और नमक। अब हम इसके अंदर नमक मिला लेंगे। नमक से प्याज का जलना रुक जाएगा और जिससे थोड़ा सा मॉइस्चर भी आएगा पूरे इस प्रोसीजर में, सो दैट हम उसके अंदर फिर से अपनी तुरई और या फिर नेनुआ ऐड कर सके। सो हम इसके अंदर तुरई को ऐड करेंगे। यहाँ पे एक बात ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगा, तुरई या फिर ऐसी कोई भी सब्ज़ी अगर आप काट के देर तक रखना रखें, कोशिश करें कि वो जितनी जल्दी हो मसाले या फिर तेल या फिर ऐसी किसी प्रोसीजर के अंदर आ जाए जिससे कि उसके अंदर डी कलरिंग या फिर वो आप गौर करेंगे वो ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं या फिर रेड होने से लग जाते हैं। सो अभी हमारी तुरई अच्छे कलर में है और हमने इसको इसकी असली जगह पे पहुंचा दिया है। सो सब कुछ अच्छे से सम्मिलित हो चुका है इस नेनुआ और चने की सब्ज़ी के अंदर, या फिर तुरई और चने की सब्ज़ी के लिए प्याज लहसुन मिर्च नमक हल्दी चने तुरई मेथी जीरा हींग सब कुछ। सो हमने इसको थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून भी लिया है, एक या दो मिनट के लिए। अब हम इसे कवर करेंगे और उस वक्त तक पकाएंगे जब तक अच्छे से इसके अंदर से जो अतिरिक्त पानी है इस कढ़ाई के अंदर हमें दिखने लग जाए, और फिर वो उसी स्टीम और लिक्विड के अंदर अच्छे से पकेगा, और बाद में फिर हम आपको दिखाएंगे कि इसे हम फिनिश कैसे करेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और इसे ऐसे ही 5 या 8 मिनट के लिए पकने देंगे हम इसे। तो तुरई और चने की सब्जी तैयार हो चुकी है। अब गौर करने वाली बात यह है कि हमने शुरुआत करी थी एक ठीक ठाक अमाउंट की तुरई से, बट पकने के बाद ये कुछ इतनी सी रह गई है। बट सुपर डिलीशियस सब्ज़ी, अ वेरी हेल्दी वन। आपने देखा हमने इसमें कुछ गैर जरूरत मसालों का इस्तेमाल नहीं करा है। तो आप भी इसे ट्राई करें अपने घर में, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और देखते रहे हमारे इन्हीं रेसिपीज़ को। और हमने एक नया चैलेंज भी शुरू किया है, 100 डेज 100 रेसिपी चैलेंज, जिसके अंदर बहुत सारी बेहतरीन रेसिपीज आने वाली है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सो द फूड इज़ रेडी, खाना तैयार है। ये सब्ज़ी के बारे में हम बात कर रहे थे आपके सामने, हैं आप देख सकते हैं।